किसी किसी की बुद्धि में गलत गलत विचार आने लगते हैं, पॉजिटिव नहीं नेगेटिव सोचने लगता है, किसी किसी के साथ ये भी होता है। जब हम भजन में मन लगाते हैं और मन नहीं लग पाता ना, तो उसके लिए भी शिव महापुराण की कथा कहती है, केवल एक बेलपत्री, इसके दोनों भाग में, ये जो बेलपत्री है इसके दोनों भाग में लाल चंदन, और ये जो डंडी है इसके पीछे चंदन की, पीले चंदन की एक गोली, पीले चंदन की एक गोली लगा लो या पीले चंदन में इस डंडी को भिंगा लो। अशोक सुंदरी वाली जगह पर पत्ती का मुंह जहां से पानी बहकर जा रहा है उधर, और डंडी का मुख अशोक सुंदरी वाली जगह पर जहां शिव जी का शिवलिंग है उस ओर मुख कर कर, जो ये लाल चंदन लगी हुई और डंडी में पीला चंदन लगी हुई, जो इस पत्ती को समर्पित कर देता है, मंदिर में जाने पर जिसके विवेक में गलत सोच आ जाती है, गलत बुद्धि आ जाती है, गलत सपने दिखते रहते हैं, गलत विचार आते रहते हैं, दिन रात आंख फड़कती रहती है, हर पल ये सोचता रहता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए, ऐसा लगता है इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, ऐसा लगता रहता है कि बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए, उसको सोमवार की अष्टमी के दिन एक बेलपत्र